हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप विद अनुष्का। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इट इज मेकअप ट्यूटोरियल इज एन इंडियन मेकअप लुक गाइस, आप लोग देख सकते हैं। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ पॉन्स का मॉइस्चराइज़र, जो कि मुझे सर्दी में बहुत ज़्यादा पसंद है, जिससे मेरी स्किन हाइड्रेटेड रहती है। तो मैंने इसको अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। सबसे पहले मैंने अपनी आईब्रो को फिल कर लिया, इसके बाद मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं अपनी आईज मेकअप को करना स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने अपने आईलाइट पर आई बेस लगाया है, जिसके आप लोग देख सकते हैं। इससे मैंने अपनी आईब्रो को अच्छे से डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया। इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं अपनी आईब्रो अपने बेस को एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको एक कॉम्पैक्ट की हेल्प से अपने बेस को अच्छे से सेट कर लिया। इससे ये होता है कि जब भी अपना आईज मेकअप करते हैं तो वो करने के बाद आपकी जो भी आई शेड्स है वो अच्छे से दिखते हैं। इसमें मैं एक लाइट ब्राउन और शिमरी सा शेड यूज़ करने वाली अपने आईज मेकअप के लिए, जिसके आप लोग देख सकते हैं। मैंने अपने कट क्रीज लाइन को एक ब्राउन कलर के शेड से ब्लेंडिंग करना स्टार्ट कर दिया। एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैंने दोनों आईलिड्स के क्रीज को अच्छे से ब्लेंड कर लिया। इसके बाद मैं इसको अप्लाई करने के बाद अपने लिड्स पर लगा रही हूँ शिमरी सा शेड, जिसके आप लोग देख सकते हैं। इट इज़ अ हेलो आई मेकअप लुक। तो मैंने अपने आईज लिड के सेंटर में ये शिमर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर। इट इज़ अप टू यू, आप इसको किस तरीके से करना चाहते हैं। अगर आप लोग इसको अपने फिंगर से अप्लाई करें या ब्रश की हेल्प से, वो आपके ऊपर। इसके बाद मैंने एक लिक्विड आई लाइनर लिया, मैंने इसको अपनी आईज पर अप्लाई कर दिया, क्योंकि समर्स में ऐसा होता है कि जो भी लिक्विड आई लाइनर है वो स्मच हो जाते हैं, और विंटर में ये लॉन्ग लास्टिंग स्टे करता है, इसलिए मैं लिक्विड आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग बिगिनर हो तो आप लोग स्केच लाइनर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने अपने आईज पर लगाना स्टार्ट कर दिया मस्कारा। मस्कारा की एप्लीकेशन हो चुकी है डन। इसके बाद मैंने अपने फेस पर मीडियम कवरेज फाउंडेशन लगाया है, जो कि आपके फेस पे एकदम नेचुरल सा लगेगा। इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, जिसके आप लोग देख सकते हैं मेरी स्किन में कैसा डिफरेंस आ गया है। तो इस तरीके की मीडियम कवरेज आप डेली वेयर के लिए यूज़ कर सकते हो। ये टीनेजर बिगिनर फ्रेंडली न्यू ईयर मेकअप लुक है। तो इस तरीके का लाइट बेस फाउंडेशन आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी पार्टी में जा रहे हैं तो इस तरीके का यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट मैं कंटूरिंग स्टार्ट करी, एक फिशी सा फेस बनाना है। फिशी फेस बनाने के बाद मैंने एक अपनी क्रीम कंट्रोल स्टिक को अपने चिक्स पर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको अपनी जॉ लाइन्स पर भी अप्लाई किया है, और मैं अपनी नोज़ की कंटूरिंग भी स्टार्ट करने वाली हूँ। कंटूरिंग स्टार्ट करने के बाद अब मैं इसको एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करी। आपको कंटूर को एक टैप टैप मोशंस के साथ इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। आपको अपने स्पंज को बिल्कुल भी रब नहीं करना है, इससे क्या होगा आपका मेकअप जो भी है स्मज आउट हो जाएगा। सो इसको अच्छे से टैप टैप करने के बाद आप लोग देख सकते हैं मेरे फेस में डिफरेंस, कि हमारा फेस जो है थोड़ा स्लिम लग रहा है और बहुत अच्छी डेफिनेशन मिल गई हमारे फेस के शेप को। सभी क्रीम प्रोडक्ट्स लगने के बाद मैंने लास्ट में अपने फेस पर लगाया है कॉम्पैक्ट, जिससे हमारा जो भी बेस और क्रीमी प्रोडक्ट्स हैं अच्छे से सेट हो जाए। पाउडर के साथ मैंने अपने सभी क्रीम प्रोडक्ट और बेस को अच्छे से सेट कर लिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा अप्लाइंग ब्लशर। इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर मेकअप। तो विंटर्स में जितना भी ब्लश लगाओ बहुत कम लगता है, इट इज़ अ वेरी क्यूट लुक फॉर आवर फेस। तो मैंने अपने फेस पे टैप टैप करके सर्कुलर मोशन में ब्लशर को अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप था अप्लाइंग हाइलाइटर, तो जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये आपके फेस को एक अच्छी सी डेफिनेशन देता है, तो शाइन सी आ जाती है इसके, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसको अप्लाई करने के बाद मैंने इसको अपनी आईलिड्स के कॉर्नर पे भी अप्लाई किया है। इसको अप्लाई करने के बाद मेरे फेस पे एक अच्छा सा ग्लो आ गया है। इसके बाद मैंने NYK का एक लिप ग्लॉस यूज़ किया है मेरे लिप्स पर, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये पिंक कलर का लिप शेड है, तो ये आपके मेकअप के साथ बहुत अच्छा लगेगा।